जय जोहार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे कांकेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांकेर में एक्शन में है बुलडोजर। कांग्रेस नेता के बेजा कब्जे पर एक्शन लिया गया है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। आमापारा भवानी चौक के पास ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता ने भेदभाव का आरोप लगाया। एक दिन पहले अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किया गया और अगले दिन ये कार्रवाई कर दी गई। ये कांग्रेस नेता का कहना है। हंगामे की स्थिति बनी, किस तरह की स्थितियां बनी है ये भी आप देख पा रहे हैं। कांकेर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। जेसीबी के जरिए बेजा कब्जा ढहा दिया गया। खेम नारायण शर्मा संवाददाता कांकेर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, पूरी जानकारी विस्तार से। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहस की स्थिति भी बन गई थी। जी देखिए, आज जो है कांकेर में जिला प्रशासन द्वारा जो है कुछ अवैध निर्माणों में जो है बुलडोजर चलाया है। और देखा जा रहा है कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से जो है अवैध निर्माण जो हुए हैं उन पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में जो है आज कांकेर के आमापारा के भवानी चौक में भी एक कांग्रेसी जो पूर्व महिला जिला अध्यक्ष है उनके अवैध निर्माण पर जो है आज बुलडोजर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। और काफी विरोध के करने के बावजूद जो है आज जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया है। जी चलिए, धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद करने के निर्णय पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस निर्णय को लेकर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने बीजेपी को घेरा है। डहरिया ने कहा कि जो सरकार आती है अपनी योजना चलाने का काम करती है, योजना से सीधा लाभ युवाओं को होता था, योजना को बंद करना ठीक नहीं है। देखिए, जो सरकार आती है अपनी योजनाएं चलाने का काम करती है, लेकिन जो योजनाएं अच्छी है युवाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं पे बहुत सारे, जैसे हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू किया था जिसे गांव के महिला स्व समाज समूह की बहनों को गोबर खरीदी होती थी उससे उनके सशक्तिकरण का काम होता, आज उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत सारी योजनाएँ जो जिससे सीधा लाभ आम लोगों को होता था और आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, उन सब कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बंद कर दिया जाए। तो कांग्रेस इस योजना को लेकर बीजेपी को घेर रही है कि योजना को बंद करना ठीक नहीं है, युवा मितान योजना बंद कर दी गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। आईटी का एक्शन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री के नजदीकियों के ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई की गई है और यह आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल घर की छत पर अमरजीत भगत नजर आए। आईटी की टीम ने मीडिया से बात करने से रोका है। चौहान बिल्डर समेत 47 ठिकानों पर छापे की पूरी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी भोपाल से रायपुर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रायपुर की तस्वीर, अमरजीत भगत एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अंबिकापुर में भी उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है, वहां की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरा दिन आज इस कार्रवाई का है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार आईटी की कार्रवाई है जारी है और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपने छत पर टहल रहे हैं लेकिन उन्हें बात करने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए जरूर थे, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उन्हें फिर से ले जाया गया है और कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई है वो जारी है। हालांकि अभी आईटी की जो टीम है उसने किसी तरह का ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह की संपत्ति मिली है, कितने की जो संपत्ति है वो मिला है, इसका खुलासा तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी लगातार कार्रवाई है वो जारी है। रायगढ़ में भी जो उनके पूर्व ओएसडी हैं उनके ठिकाने पर और उनके जो मातहत जो कर्मचारी जो काम करते रहे हैं
उनके ठिकानों पर जो कार्रवाई है अभी जारी है। लगभग 36 घंटा से भी अधिक समय का वक्त हो चुका है और कार्रवाई अभी भी जारी है। अमरजीत भगत इशारों में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई डिटेल नहीं आया है कि आईटी की छापा में किस तरह के जो संपत्ति मिले हैं या रकम मिला है, लेकिन अभी कार्रवाई सतत जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में हुई बैठक से कांग्रेस के पदाधिकारी नदारद नजर आए। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक थी, बैठक में 88 पदाधिकारी नहीं पहुंचे। प्रदेश प्रभारी की बैठक में पदाधिकारी नहीं आए, बिना कोई सूचना दिए नहीं पहुंचे। 9 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 19 प्रदेश महासचिव हैं, 51 प्रदेश सचिव हैं, 9 जिला अध्यक्ष हैं, ये आए ही नहीं। 1 फरवरी को राजीव भवन में बैठक बुलाई गई थी, प्रभारी मोहम्मद गुलाब ने यह बैठक बुलाई थी। अल्पसंख्यक विभाग ने सबको नोटिस थमाया है, 3 दिन में उनसे जवाब स्पष्टीकरण मांगा गया है। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में पदाधिकारियों के गायब रहने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से दूर जा रही है, साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर जिस पार्टी से जनता दूर चली जाए उसके पदाधिकारी भी दूर होंगे। और रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम साय ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। पुसौर धान खरीदी केंद्र वो पहुंचे, औचक निरीक्षण करने पहुंचे। खरीदी केंद्र पर किसानों से उन्होंने बातचीत भी की। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद छत्तीसगढ़ के हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने वाले प्रदेशवासियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन सूचना केंद्र खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है, इसमें उन्होंने अयोध्या में छत्तीसगढ़ पर्यटन सूचना केंद्र भवन के आवंटन के बारे में लिखा है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है। पार्षद योगेंद्र पांडेय को जान से मारने की धमकी, डाक के जरिए यह धमकी भरा पत्र पहुंचा है। योगेश पांडेय ने आईजी और एसपी को आवेदन दिया है। धमकी के बाद परिवार में डर का माहौल है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी। जगदलपुर बीजेपी उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, कांग्रेस के राज में लोग सुरक्षित थे, अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई होती थी। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी की रेड को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के निशाने पर काम कर रही हैं। आईटी सीबीआई ये तो केंद्र सरकार की संस्था है और उनके निर्देश पर ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा खराब रही है। पिछले जैसे 15 साल रमन सिंह जी का राज था, हमारे सरकार के समय में इस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति कभी खराब नहीं हुई। नक्सली समस्याएं जो है पहले से कम हो गई थी। आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही है वो बीजेपी की सरकार में ही इस तरह की घटनाएं होती है, कांग्रेस सरकार में लोग सुरक्षित थे। मुंगेली दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस राज में जनता परेशान थी, सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा, प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा।
कांग्रेस ने जिस प्रकार से 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन चलाया है, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से परेशान थी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ मिलना नहीं है। सचिन पायलट दौरा भी करें, उनका स्वागत है, और उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।